नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम धामी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, टहल रहे बुजुर्ग को बस ने रौंदा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जाखन गाँव के आपदा पीड़ित परिवारों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। जमीन फटने से जमींदोज हो गए हैं कई घर। चिन्यालीसौड़ में हेलीकॉप्टर की हुई आपातकालीन लैंडिंग, 3 सवारियों को लेकर भरी थी उड़ान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी का ये दौरा दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम वर्ग के उद्योगपतियों संस्थाओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। अब सीएम धामी दिल्ली दौरे के दौरान तमाम निवेशकों से मुलाकात करेंगे। यमुनोत्री हाईवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज गति से आ रही एक बस ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे मुराड़ी गांव निवासी नथु पुत्र सुनको हमेशा की तरह सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही TGMO की बस ने उन्हें रौंद दिया। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। पिछले दिनों की तुलना में अब रोज ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही है। जिलों कस्बों में बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर सैंपलिंग हो रही है। हॉस्पिटलों में डेंगू का इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। 7 जिलों में डेंगू का अभी तक कोई केस नहीं है। देहरादून में भी डेंगू के मरीजों में से 160 ठीक होकर घर जा चुके हैं। देहरादून जिले के जाखन गांव का हाल भी चमोली जिले के जोशीमठ जैसा ही हो गया है। यहां भी भूदशाओं के कारण जमीनों और घरों में दरारें पड़ गई है, जिस कारण पूरा गांव खतरे की जद में आ गया। जमीन फटने के कारण कई घर तो जमींदोज भी हो गए थे। हालांकि अब सरकार की तरफ से आपदा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया है। चिन्यालीसौड़ में हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग हुई। जानकारी के अनुसार देहरादून सहस्त्र धारा से डेली सर्विस हेलीकॉप्टर सेवा 3 सवारियों को लेकर चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टी के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर ने पहले एक सवारी को चिन्यालीसौड़ उतारा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।